हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ नवाबी पनीर। नवाबी पनीर बनाने के लिए हमें ये पनीर चाहिए और मेरा ये प्याज, एक प्याज है उसे मैंने पीस लिया है मिक्सी पे, और ये काली मिर्च है, ये अमूल क्रीम है, और ये दूध है। और आज मैं हरी मिर्च से बनाऊंगी, इसमें रेड चिल्ली का बिल्कुल भी नहीं डालूंगी इसमें। और ये मेरा कुछ ड्राई फ्रूट है, ये मैंने काजू है छोटे छोटे टुकड़े कर लिए क्योंकि मुझे इसे पीसना है, महीन पेस्ट बनाना है इसे। और ये बादाम है और ये खसखस है। अब मुझे इसका एक मिक्सी में डाल के इसे मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने मिक्सी में पीस लिया इसका पेस्ट। अब मैं इसे एक बॉल में निकालूंगी। ये मैंने एक पेस्ट एक बॉल में निकाल लिया है, ड्राई फ्रूट और खसखस का पीस के एक पेस्ट बना लिया है मैंने, निकाल लिया है इसे। अब मेरा पैन गरम हो रहा है और इसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया है। अब मैं इसे दो इलायची और दो लौंग मैं इसमें डालूंगी। मेरा ये तेल गरम हो गया, ये जो मैंने प्याज को एक प्याज मिक्सी में पीस लिया था उसे मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे लाल करूंगी। ये देखिए, ये मेरा भून प्याज लाल हो रहा है, ये पेस्ट मेरा मुझे इस तरह से लाल करना है बिल्कुल। ये देखिए, ये मेरा लाल हो गया है प्याज मेरा, जो पीस के मैंने इसे ग्राइंड कर दिया था और पेस्ट बना लिया था, अब ये मेरा बिल्कुल लाल हो गया है। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट का मैंने इसमें जो पेस्ट डाला था और मैंने इसका पेस्ट बनाया था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और काली मिर्च भी डालूंगी। अब इसे अच्छी तरीके से थोड़ा पकाऊंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आपको जितना आप खाते हो उतना नमक ऐड कर दीजिए इसे मिलाने के। अभी हमारा ये पेस्ट, ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, इसे अच्छी तरीके से मिला लूंगी। और ये ग्रीन चिल्ली है ये मैं ऐड करूंगी क्योंकि मुझे ग्रीन चिल्ली से बनाना है, मुझे रेड चिल्ली बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि मुझे इसका पेस्ट लाल नहीं करना, ये मुझे बिल्कुल वाइट रखना है। अब इसे एक उबाल आने दे, ये मेरा एक उबाल आ गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच अमूल क्रीम डाल रही हूँ। और ये मेरा पनीर है, ये मैं पनीर ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मेरा नवाबी पनीर बिल्कुल रेडी है, एक उबाल आ गया है और ये मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद करती हूँ, अब मैं सर्व करती हूँ। ये मेरा नवाबी पनीर बिल्कुल रेडी है क्योंकि मैंने इसमें रेड चिल्ली बिल्कुल नहीं डाला है, ग्रीन चिल्ली से बनाया है और ये वाइट ही रहता है। ये हमारा नवाबी पनीर बिल्कुल रेडी है। ये इसकी ग्रेवी है। मैं ऊपर से ये बटर ऐड कर रही हूँ। ये कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ ऊपर से गार्निश के लिए। अब ये हमारा नवाबी पनीर बिल्कुल रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी